नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलन। आप इसको जानते होंगे, इसे नजर बट्टू कहते हैं। जी हां, नजर ना लगे किसी को, इसके लिए घरों और दुकानों पर इसे ही लटकता हुआ आप देखते होंगे और सुबह सुबह घर और दुकान में पहुंच जाता है। आज मैं इस नजर बट्टू को इसलिए पकड़कर बैठा हूं क्योंकि देश में जो महंगाई की नजर लगी है, क्या पता इस नजर बट्टू को देखकर वो दूर हो जाए। लेकिन कड़वा सच यह है कि यह नजर बट्टू भी महंगाई की नजर से बच नहीं पाए। इस नजर बट्टू में जो नींबू लगा है वो आज 350 रुपए किलो का है और जो मिर्ची इसमें टंगी है वो है 100 रुपए किलो। यानी नजर से बचाने वाला यह नजर बट्टू भी महंगाई की काली परछाई से बच नहीं पाया। फिर भी उम्मीद करते हैं कि यह आपको, प्रदेश को, देश को महंगाई से बचा लेगा। दरअसल सवाल सिर्फ इस नजर बट्टू का नहीं है, सवाल उस दाल का भी है जिसको गरीबों की थाली की रानी कहा जाता है और उस आलू का भी है जो गरीबों की थाली का राजा हुआ करता था। ये दोनों भी, यानी कि राजा रानी भी, अपनी गरीबी की प्रजा की थाली से दूर हो गई और गैस तो मानो खुद में ही आग लगाने को तैयार। सवाल महंगाई का है, जनता के पेट का है, जनता की जेब का है। लेकिन जवाब देने वाले कहते हैं कि महंगाई अंतरराष्ट्रीय कारणों से बढ़ रही है। मेरा सवाल यह है कि अगर कृषि प्रधान देश में कृषि आधारित वस्तुएं ही अनकंट्रोल हो जाएं, तो फिर गलती किसकी है? और गलती किसी की भी हो, जनता कब तक इसको भुगतती रहेगी? और क्या अब घर में टंगने वाला है नजर बट्टू भी, जिसके लिए टांगकर कहते हैं कि भगवान हमें बुरी परछाइयों से बचाइए, क्या ये नजर बट्टू के बाद कोई कह पाएगा कि हे भगवान महंगाई मार डालेगी, हमें बचाइए? किलो वर्तमान स्थिति में बाजार के अंदर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें सस्ती हैं। टमाटर 40 रुपए किलो है। अब 40 रुपए किलो आपको इसलिए सस्ता लग रहा होगा कि बाकी चीजें आपको महंगी दिखाई दे रही हैं। कद्दू 40 रुपए किलो, लेकिन सोचिए अगर जिसको टमाटर की चटनी के साथ ही खाना खाना है उसको भी 40 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर खरीदने पड़ेंगे। पत्ता गोभी 40 रुपए प्रति किलो, प्याज 25 रुपए प्रति किलो है। जबकि बात अगर आलू की जाए तो आलू भी लगभग 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में मिल रहे हैं। और ये हकीकत है, ये हकीकत है महंगाई की, ये हकीकत है वर्तमान में गरीब आदमी के साथ होने वाले मजाक की।
क्या वाकई में इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल, और इसी सवाल के जवाब के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता हुकुम मीणा जी, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर जी। राहुल तंवर जी, शुरुआत आपके साथ सर। नींबू कभी इससे पहले भी 350 रुपए किलो हुआ है? पहली बार हुआ है सर। देखिए, मंडी के इतिहास में और नींबू के खुद के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि नींबू के दाम इतने बढ़े हैं। आज भी मैं होलसेल प्राइस की बात करूँ, जो थोक में नींबू 250 रुपए किलो तक मंडी में पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में भी नींबू के भाव आगे और तेज रहेंगे। इसका ये बताइए सर, ये नजर बट्टू बनाने लायक भी आम आदमी बचेगा या नहीं बचेगा? देखिए, नजर बट्टू की तो बात मैं आपको ये बताता हूँ कि नजर बट्टू बनाने लायक तो ये जब बचेगा जब नींबू के दाम और मिर्च के दाम थोड़े कम आएंगे। इसका बड़ा कारण एक ये है, जो नींबू के दाम बढ़ने का बड़ा कारण है कि नींबू की आवक एक तो मंडी में बहुत कम हो रही है, और गर्मी का सीजन बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है, टेम्परेचर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और फिर इसमें रमज़ान का महीना चल रहा है जिसके कारण डिमांड नींबू की काफ़ी बढ़ गई है, और पेट्रोल डीजल के जो लगातार दामों बढ़े जा रहे हैं जिसके कारण किराया भाड़ा बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, एक ये बड़ा कारण भी नींबू के। राजस्थान में सब्जियां कहां से आती हैं? देखिए, राजस्थान में सब्जियां पूरे आउट ऑफ स्टेटों से अभी आ रही है, क्योंकि लोकल क्षेत्रों की सब्जियां अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ये नींबू जो आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नींबू मुख्यतः श्रीकोंडा से आ रहा है, जो कि श्रीकोंडा महाराष्ट्र में है, और चेन्नई से आवक हो रही है। जितनी भी अभी अधिकांश सब्जियां जो राजस्थान में आ रही है, जयपुर में आ रही है, अधिकांश भारी स्टेटों से सब्जी आ रही है, जिसके कारण भी सब्जियों का महंगाई हो जा रही है। ठीक है हुकुम मीणा जी, मैम राजस्थान में 350 रुपए किलो नींबू मिल रहे हैं और 100 रुपए किलो मिर्च मिल रही है। बार बार ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ये राज्य का विषय है। अगर ये राज्य का विषय है तो मैम जरा इसको कंट्रोल कीजिए, कब तक इसको कंट्रोल रखा जाएगा? देखिए सोलंकी जी, मैं कहना चाहूंगी कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं तो सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है वो सारी चीज़ों पे आता है। तो आज जो आग लगी हुई है, गरीब की थाली जो प्रभावित हो रही है, आम आदमी की थाली प्रभावित हो रही है, वो सारी चीज़ महंगाई पर आकर टिकती है। हरियाणा में आज पेट्रोल कितने रुपये किलो लीटर है मैम? हरियाणा का मुझे उसका थोड़ा याद नहीं है कितना है, लेकिन राजस्थान राज्य की बात कर लेता हूँ, पंजाब में कितना, राजस्थान की बात करती हूँ तो राजस्थान में 117 रुपए लीटर हो गया है पेट्रोल। हरियाणा से कितना ज्यादा और पंजाब से कितना ज्यादा है? हरियाणा से ज्यादा है यहाँ पर, पंजाब हरियाणा में कम है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, तो वो हमेशा से ही हरियाणा में कम रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें, वो उनकी वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। पंजाब से बताइए कितना महंगा अलग स्टेट में। देखिए सोलंकी जी, अलग स्टेट की, हर स्टेट की राज्य की बात कर लेता हूँ मैम, हर स्टेट की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है वो अलग होती है, वहाँ का जो एक और सीमावर्ती राज्य की पूछ लेता हूँ, गुजरात का बता दीजिए मैम, गुजरात के कंपैरेटिवली राजस्थान में पेट्रोल डीजल कितना महंगा है? गुजरात में भी 100 के पार हो चुका है पेट्रोल डीजल की कीमतें, गुजरात में भी, और यहाँ राजस्थान में भी 100 से पार पेट्रोल डीजल 100 के पार 100 पहुंच चुका है, और पेट्रोल 117 रुपए। मैंने 4 सीमावर्ती राज्य गिनाए हैं, किसी एक से तो राजस्थान में सस्ता होना चाहिए, सबसे ही महंगा है। देखिए राजस्थान में सस्ते की अगर बात करते हैं तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, एनडीए सरकार को विश्वास दिलाती हूँ कि आप एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, उसी क्षण जो वैट है जीरो कर दीजिए मैम। हाँ, आज की तारीख में बिल्कुल भी राजस्थान के इन चारों राज्यों से पेट्रोल डीजल महंगा रहेगा? नहीं रहेगा महंगा, ड्यूटी का क्या लेना देना मैम, बताइए। एक्साइज ड्यूटी पे ही वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी जिस दिन कम हो जाएगी पेट्रोल डीजल की। एक मिनट मैम, आप ये कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी पर वैट लग रहा है? बिल्कुल, एक्साइज ड्यूटी मैम मूल बेस प्राइस पर वैट लगता है, मूल बेस प्राइस पर वैट लगता है, बेस प्राइस का एक्साइज ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। 60% जो पैसा है जो टैक्स में चला जाता है आम जनता का, पेट्रोल डीजल का 60% टैक्स में जा रहा है। राजस्थान में 250 रुपए किलो नींबू मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जब तक पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो कम नहीं होंगी, इसी तरीके से महंगाई आम जनता को खाएगी, आम जनता की जेब पर डाका डालेगी, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे कम होनी चाहिए। घरेलू गैस जो सिलेंडर है कि कृषि राज्य का सब्जेक्ट नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कहिए मैम फिर।
नहीं नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल, राजस्थान सरकार हर चीज को राजस्थान सरकार कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर का खर्चा जो आएगा वो कैसे निकालोगे आप? जो पेट्रोल डीजल जो भार किराए पे बढ़ेगा वो कैसे निकलेगा आम जनता? निमिषा गौर जी, ये तो सच्चाई है मैम की पेट्रोल डीजल हो, घरेलू गैस या फिर खाद्यान्न, फल सब्जी सब कुछ महंगे हो गए हैं। इसको कोई कंट्रोल करने की नीति है भी या नहीं है, या डर लग रहा है कि कहीं जिस तरीके से श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, यहां ना हो जाए। और इससे भी बड़ा सवाल मैम, आप श्रीलंका को 500 चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो, आम आदमी को देश के अंदर राहत नहीं दे सकते? विजेंद्र जी, जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जिन फल सब्जियों की आप बात कर रहे हैं, वो राजस्थान का विषय है। और राजस्थान की सरकार जो बार बार दुहाई देती है कि हम तो जनहित की चिंता करते हैं, जनहित के लिए हम अनेक अनेक योजनाएं लेकर आए हैं, और योजनाओं की बात करते करते सब्जियां इतनी महंगी कर दी हैं। आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर हमारा विषय नहीं, पेट्रोल डीजल, अरे भाई आपको ध्यान में नहीं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वैट यहाँ लगता है, एक्साइज ड्यूटी 5% कम कर दिए, उसके बावजूद भी ज़्यादा है। ये बार बार अपनी कहते हैं ना घूम फिर के पेट्रोल डीजल पर आ जाइए, कि इस देश को ये मत गिनाइए कि 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पर कम कर दिए, सबसे ज्यादा 8 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल पर, 8 रुपए बढ़ाए गए हैं मैम। देखिए विजेंद्र जी, इंटरनेशनल सिचुएशन किसी से छुपी नहीं है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में कोई स्टेट इंडिपेंडेंटली या कोई कंट्री इंडिपेंडेंटली अपना एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है। आज अमेरिका में आप देखिए 40% तक महंगाई दर बढ़ चुकी है, ब्रिटेन में बढ़ चुकी है, तो भारत की फाइनेंशियल सिचुएशन कंपेरेटिवली फार बेटर है। आप श्रीलंका पाकिस्तान की बात करें वैसी भाया तो मुझे लगता है एक एक आम आदमी से ही बनता होगा। 80 लाख आम आदमी के फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी है नहीं, सीधा अन्न पहुंचाया जा रहा है, और आप देखिए किसान सम्मान निधि का सीधा पैसा पहुंचाया जा रहा है, अनेकानेक ऐसी योजनाएं जो बिना किसी मध्यस्थ के सीधी बेनिफिशियरी तक पहुंच रही है। अन्न पहुंचा रहे हैं अच्छी बात है मैम, 80 करोड़ लोगों को पहुंचाया जा रहा है सच है, लेकिन उसका क्या करें? पानी में भिगो के मोटे अनाज को खाएं सुबह शाम, क्योंकि सब्जी खरीदने लायक बचे नहीं, गैस भरवाने लायक बचे नहीं, तेल लेने लायक बचे नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि जो मोटा अनाज आपकी तरफ से सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसको रात को पानी में भिगो दें, सुबह भी उसी को खाएं, शाम को भी उसी को खाएं, दोपहर में भी उसी को खाएं, ये चाह रहे हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट सब्जियों के दाम नियंत्रण नहीं कर सकती वो गैस की दुहाई देती है। कांग्रेस की सरकार है ना, तो उत्तराखंड में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम गैस सिलेंडर 500 रुपए सब्सिडी देंगे। तो मेरी बहन से कहती हूँ मैं कि कांग्रेस में वो उत्तराखंड की कांग्रेस अलग है क्या, यहाँ आप लागू कर दीजिए। मीना जी जवाब दीजिए मैम, जहाँ पर आपकी सरकार ना, जहाँ सरकार नहीं और जहाँ वोट चाहिए वहाँ सपने क्यों दिखाते हैं? देखिए पहले कोविड का दौर था तो ये कोविड के पीछे छिप गए और महंगाई का कारण कोविड को बताया, अब रशिया यूक्रेन के युद्ध को ये महंगाई का कारण बता रहे हैं। सवाल आपसे ये किया है कि उत्तराखंड में जब आप उसी पे हमले कम कर सकते तो यहाँ भी कम कर दीजिए, मैं उसी पे आ रही हूँ। यहाँ तो सरकार यहाँ दीजिए सब्सिडी। यूपी में भी अभी कहा था होली पर सिलेंडर फ्री मिलेगा, मिला उनको सिलेंडर फ्री। जब चुनाव के टाइम आता है तो आपके गैस के पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हो जाते हैं, और जैसे ही चुनाव जाता है वो ग्लोबल मार्केट कहाँ चला जाता है? मीना जी ये नैरेटिव बनाते बनाते तो एक राज्य में सरकार थी वो भी चली गई आपके हाथ से, यही नैरेटिव बना रहे हैं, झूठा। नहीं 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 झूठा तो आप लोग बना रहे हो, ऐसी सरकार है का जाना आना जुड़े हैं, सब्जी मंडी से जुड़े हैं जियाउद्दीन, सब्जी मंडी में जरा घूमिए और उन सब्जियों को दिखाइए जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चली है। विजेंद्र देखिएगा कि हम हैं लाल कोठी सब्जी मंडी के अंदर, और मंडी के अंदर आप हालात देख सकते हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके तहत से यहाँ पर सब्जियों की तादाद भी कम हो चुकी है और सब्जी के खरीदार भी कम हो चुके हैं, लोग बागों का बजट गड़बड़ा चुका है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो टमाटर किस हिसाब से कितने देखिए सब्जी लेने आए हैं, किस तरह के हालात, किस हाँ सर भाव क्या है सब्जी के? भाव सर तो आसमान छू रहे हैं सर अभी तो। कैसे क्या क्या लिया आपने अभी? तो सर ककड़ी लिए, कुछ टमाटर लिए और भिंडी लिए, भिंडी लिए, टमाटर, नींबू क्या हुआ? नींबू सर 60 रुपए पाव है, 60 रुपए के पाव है, महंगे हैं काफी। हाँ सर विजेंद्र देखिए कुछ इसी तरह के हालात हैं, आप देख सकते हैं कि जो नींबू हैं वो पहले हर सब दुकानों के ऊपर नज़र आते थे लेकिन अब कुछ दुकानों के ऊपर नज़र नहीं आ रहे। फिलहाल जो लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आ रहे हैं वो कुल जो बड़ी ज़्यादा तादाद के अंदर सामान खरीदते थे अब बिल्कुल कम तादाद के अंदर ख़रीद रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि महंगाई इतनी हो चुकी है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, फल हो या सब्जी हो दोनों के एक ही तरह के हालात हैं, और कुल मिला
के देखा जाए तो सबसे अहम वजह यह है कि इन लोगों का ये कहना है कि जो तापमान में जो वृद्धि हुई है अचानक, उसके वजह से फसलों की आवक कम हो रही है और साफ के साथ जो पेट्रोल डीजल के जो दाम पड़े हैं उसकी वजह से ये हालात कम हो रहे हैं। यहाँ पे एक दुकानदार हैं, उनसे जानने करने की बात है जो मंडी में काम करते हुआ। कब से करते हैं? 5 साल हो गए। जो अभी जो फसल ये अपने यहाँ पे जो आपकी सब्जियों के जो दाम हैं आज से पहले इतने नज़र आए कभी आपको? कितने कितने दाम हो रहे हैं जी? पेट्रोल की वजह से आ रहे हैं भाई साहब। क्यों? पेट्रोल का भाव हो रही है, डीजल का भाव हो रहा है, सबका मेंटिलेशन लेके ही तो आएगा। ठीक है, जियाउद्दीन वापस आगे पास आएंगे। सुनील सियाग का रुख कर लेते हैं, श्री गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं, पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि पेट्रोल सबसे महंगा, डीजल सबसे महंगा राजस्थान में, और वो भी सबसे महंगा गंगानगर में। सुनील, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नजर भट्टू में से नींबू गायब हो जाएगा, वैसे राजस्थान के श्री गंगानगर से पेट्रोल पंप गायब हो जाएंगे अगर यही हाल रहा तो। बिल्कुल विजेंद्र, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो किसी ने सोचा नहीं था वो आज हो रहा है। किसी ने सोचा नहीं था 100 रुपये के ऊपर डीजल चला जाएगा, 100 से ज़्यादा महंगा पेट्रोल बिकेगा, वो बात आज सच्चाई सामने है। मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ जो श्री गंगानगर का पेट्रोल पंप है, पूरे भारत के अंदर सबसे महंगा डीजल यहाँ पर बिक रहा है, 104 रुपये 53 पैसा पूरे भारत में कहीं डीजल का रेट नहीं है, और 122 रुपये 4 पैसा पेट्रोल यहाँ पे बिक रहा है। जो यहाँ के पेट्रोल पंप है वो तो बंद होने के कगार पर है, क्योंकि इसीलिए कगार पर है क्योंकि पंजाब यहाँ से बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, 4 किलोमीटर पे है। जिनको ज़्यादा पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है तो वहाँ से भरवा के लाते हैं, क्योंकि 10 से 15 रुपये वहाँ पे सस्ता मिलता है। और हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे तेल भरवा रहे थे, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पहले टंकी भरवाते थे या आज टंकी भरवा रहे हो, कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले तो हमारा काफ़ी यानी कि डीजल आ जाता था, अब तो सोच के आना पड़ता है अभी कितना डलवाएंगे, सारा बजट ही बिगाड़ दिया गया। पहले शहर आते थे तो टंकी भरवा के लेके जाते, अब कितना कितना तेल डलवाया आपने? अब लीटर से डलवाते हैं, 5 लीटर 10 लीटर। कुछ युवा वर्ग भी है, इनसे बातचीत करते हैं, कितना फर्क पड़ता है पहले और डीजल पेट्रोल में महंगाई में? महंगाई का तो ये मतलब हुआ सर, अभी आधा आधा का रेट फर्क हो गया, और ज़्यादा तो ब्लैक ज़्यादा चल रही है, पंजाब से डीजल लाना पड़ता है, और कोई भी काम के लिए हमारे को पंजाब ही जाना पड़ता है डीजल लेने के लिए, पेट्रोल भी है वहाँ से, और यहाँ का और पंजाब का लमसम 16 रुपये 17 रुपये का फर्क आ रहा है। अंतर उतना ही है जितना 52 और 104 में हुआ करता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल रेट है। लेकिन हमने पेट्रोल पंप के हालात दिखाए, सब्जी मंडी के हालात दिखाए, लेकिन अब आपको घर के हालात दिखाते हैं, गृहिणी के हालात दिखाते हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से जुड़ गए हैं। राजीव, जब कोई घर में आता है, गर्मी में आता है, तो नींबू की शिकंजी पिला दी जाती है, उसमें कुछ कटौती दिखाई दे रही है, क्योंकि 350 रुपये नींबू पहुंच गए हैं गर्मी के मौसम में, मिर्ची 100 रुपये किलो है, बाकी सब्जियां भी सब लगभग 100 रुपये के आसपास हैं, घर चला कैसे रहे हैं? देखिए विजेंद्र, जब प्रोग्राम शुरू हुआ था उससे पहले जब हमने इस रातरण इलाके में जब महिलाओं से बात की, आप यकीन मानिए हर वर्ग की महिलाएं, आप इस वक्त सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इस वक्त आप महिलाएं देखिए, हर वर्ग की महिलाएं पहुंची हैं, मध्यम से मध्यम, निम्न से निम्न और उच्च से उच्च, हर परिवार की महिलाएं हैं जिनको हमने कोशिश की। आप देखिए सब्जी, सिलेंडर, पेट्रोल सब कुछ उठा करके लेके आ गई, और नींबू की मात्रा जो है, नींबू यहाँ सिर्फ 2-4 नींबू हैं। आप सोचिए कि नींबू ने खुद के भाव बढ़ाए जो बढ़ाए, आम जो जनता है खासतौर पर महिलाएं जो है उनकी स्थिति खराब है। इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता शारदा चौधरी जो है इस वक्त से बात करते हैं, किस तरीके से आप लोग घर चला रही हैं, इतनी सब्जियां महंगी हो रही है? अभी सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए सब्जी से लेके सिलेंडर से लेके, अब कहीं सब्जी भी लेने जाएगी तो सबसे पहले डीजल और पेट्रोल की बात आती है। 15 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल 13 बार बढ़ा दिया है सरकार ने। अब इनको पूछो कि 13 बार तेल बढ़ाते हो तो ये किस तरीके से अपना घर चलाएंगी। उसके बाद आप नींबू ले लो 400 रुपये किलो, टमाटर ले लो 200 रुपये किलो, गोभी ले लो 150 रुपये किलो, हर सब्जी महंगी हो रही है। फ्रूट बच्चा खाना चाहे तो 400
500 से नीचे कोई एक किलो फ्रूट नहीं आता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जो पारंपरिक सब्जियां हैं वो लेकर के जो महिलाएं हैं राबोड़ी हैं उसे काम चल रही, कैसे इस वक्त जो है आपका घर कैसे चल रहा है? देखिए ये पापड़ राबोड़ी जो है बड़िया जो है इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं मोहन सिंह आपको, ये पारंपरिक सब्जियां हैं, अब इनके बहाने जो है वो घर चला रही, कैसे क्या किस महंगाई से कैसे काम चलेगा? सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि क्या खाए, तो पापड़ी राबोड़ी और बड़िया खा के काम चलाना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं लगातार जो महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आम जन से बहुत परेशान है। 2 साल कोरोना की वजह से लोग जनता परेशान होती गई और अभी सब्जी को लेकर महंगाई, सरकार दिन ब दिन है ना महंगाई करती जा रही है और हम लोगों की हम अपनी फरियाद लेके किसके पास जाए। घुसते सोचना पड़ता क्या बनाए क्या नहीं बनाए? जी बिल्कुल सोचना पड़ता है कि अब क्या बनाएं जो बच्चों को पसंद आए, लेकिन इतनी सब्जी महंगी हो, बच्चे बोलते हैं मम्मी सब्जी खाने को दो, पर सब्जी क्या खाने को दो, इतने महंगी हो गई है कि बच्चों को कुछ खाने को ढंग से मिल भी नहीं पा रहा है। लेकिन नींबू पानी तो पीना ही पड़ता, गर्मी है तो कैसे पीते हैं? नींबू तो बता महंगा है। हाँ नींबू बहुत महंगा हो गया है कोरोना काल में, महंगाई के कारण सब ये हो गया है, तो नींबू लाना भी 400 रुपये किलो से हो गए नींबू। कैसे अब क्या सोचती घर पे क्या बनाएंगे आज शाम को? अब बच्चे कहते हैं कि भिंडी की सब्जी बनाओ, भिंडी है 150 रुपये किलो, अब कैसे बने? बच्चों की सबसे फेवरेट सब्जी भिंडी होती है और गवर्नमेंट कहती है कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, अब पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे, इतनी महंगाई के बाद हमें तो नहीं लगता कि कभी अच्छे दिन आएंगे। कैसे चलेगा आगे आने समय आपका घर? गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, सब्जी महंगी। गैस इतना महंगा हो गया है कि परिवार बड़ा है तो 15 दिन भी नहीं टंकी चलती है, उसके दाम 1000 रुपये हो गए, हम कैसे है ना खाना बनाए और सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई। जो तस्वीरें हैं साफ, एक और महिला से बात कर लेते हैं, क्या किस तरीके से आप देखते हैं लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही है? सब्जी का तो भाव बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन और ये महंगाई तो इतनी हो गई है, पेट्रोल का भाव गाड़ी लेके निकले तो पता नहीं क्या आधे रास्ते तक जाए वापस आना पड़ता है। आप देखिए विजेंद्र तस्वीरें देखिए जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे, बच्चों से भी आपको लगता है खूब सारी सब्जियाँ महंगी हो गई? हाँ बहुत महंगी हो गई है, भिंडी मेरी फेवरेट सब्जी है, मैं उनको ही नहीं खा पाती। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो फ्रूट्स हैं चाहे सब्जियाँ हैं आखिर उनको खाना कैसे रहा, और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में आज सुबह जब सहयोगी भवानी सिंह के साथ में सब्जियों के बाजार पहुंचे जायजा ले रहे थे, वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, पाव पाव सब्जी आधा पाव की सब्जी लेकर के जा रहे हैं, जो कोई टाइम होता था दो दो किलो। लेकिन जिस तरीके से आपने नींबू को उठाया, नींबू वापस रख दीजिएगा, वाकई में बहुत महंगा हो गया नींबू, क्योंकि आपको ध्यान होगा एक वक्त में सब्जी चोरी के भी आरोप लगे थे। किस्सा जो सहयोगी भवानी सिंह ने बताया, कोई अगर नींबू कहीं से चुरा लेगा तो मुझे लगता है आज सुबह जोधपुर की दुकानों पर से जो नींबू मिर्ची टांगते हैं लोग वो चुरा चुरा करके घर लेकर के जा रहे हैं। जी राजीव आज मैंने प्रोग्राम में भी टांगी हुई है, मेरे भी हाथ में नजरबट्टू है, निश्चित रूप से मैं चाह रहा हूँ कि उस नजरबट्टू के जरिए महंगाई को, जो महंगाई की काली परछाई है उसको देश से दूर रखा जाए, मैं नजरबट्टू के साथ ही प्रोग्राम को कर रहा हूँ। राजीव शुक्रिया हमारे साथ। राहुल तंवर जी, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉकिस्ट्स जानबूझकर मार्केट में हाइप क्रिएट करें और उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही हो, या वाकई में कमी है? देखिए ये स्टॉकिस्ट का काम नहीं है, ये क्या है आगे आगे से जो सब्जी आ रही है वो, एक तो सब्जी की आवक यहाँ पे कम है और सब्जी के दाम आगे से ही काफ़ी तेज आ रहे हैं। हम नींबू की बात कर लें, नींबू मुख्यतः महाराष्ट्र से जयपुर आ रहा है, मगर जो नींबू वहाँ महाराष्ट्र में बिक रहा है उसके खुद के वहीं 120 रुपये किलो, 125 रुपये किलो, सर मुझे 200 रुपये किलो। राजस्थान के अंदर ये महंगाई कब कंट्रोल होगी, लोकल आवक कब से शुरू होगी, कुछ तो पता चले कि 10 दिन 20 दिन तक ये मार पड़ने वाली है। 15 से 20 दिन के बाद आसपास के लोकल क्षेत्रों की आवक मंडियों में चालू हो जाएगी, जब जाके सब्जियों के दाम स्थिर होंगे, जब जाके आम जनता को राहत मिलेगी और महंगाई पूरे महीने भी महंगाई की मार को झेलना और दाम और बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये इसी महीने में सब्जियों के दाम काफी तेज रहेंगे, क्योंकि ये इसी महीने में एक तो रमजान का महीना चल रहा है। मीणा जी, मैंने बीते कुछ सालों में देखा है कि जब इस तरीके की महंगाई होती है तो फिर अलग अलग पार्टियां, आपकी भी पार्टी 2 किलो प्याज 3 किलो टमाटर घर घर तक पहुंचाती है, व्यवस्था कर दीजिए मैम, फिर से कर दीजिए सबके लिए। देखो राजस्थान सरकार ने हर समय व्यवस्था की है, कोरोना काल में भी हर चीज़ की व्यवस्था की है, बात रही सब्जी की और जो अनाज की, ऐसी स्थिति आई है अभी तो उसके लिए गवर्नमेंट सोचेगी, और मैंने पहले भी कहा अभी मैं बता रही हूँ कि जो पेट्रोल डीजल है इसकी वजह से ये सारी महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सब्जियाँ बाहर से आ रही है जैसा कि इन्होंने बताया तंवर जी ने। और मैं ये चाहती हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जहाँ पर
टैक्स फ्री फिल्में की जाती हैं, वहाँ पर टैक्स फ्री पेट्रोल डीजल कर दीजिए। टैक्स फिल्में तो लोग बाग टैक्स देकर भी देख लेंगे उनकी हैसियत के अनुसार, लेकिन लेकिन डीजल पेट्रोल। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बार बार बैठ का टैक्स का आप बहाना देते हो, तो गैस सिलेंडर तो राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं आता। जो गैस सिलेंडर है वो राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं आता, उस पर महंगाई क्यों हो रही है? आप सोलंकी जी ये पूछिए कि गैस सिलेंडर महंगा क्यों हो रहा है? 1000 का गैस सिलेंडर हो गया वो तो राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं आता आम आदमी को। निमिषा गौड़ जी, विजेंद्र जी, गोयबल्स की थ्योरी पर चलने वाली कांग्रेस एक बात को 100 बार कहे तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। ऐसी थ्योरी से चलने वाली कांग्रेस सरकार से मैं कहूंगी, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं निःशुल्क दवाई योजना, तो भूख मारने की भी दवाई दे दीजिए ना आप मुख्यमंत्री जी, जिससे बच्चों को भूख ना लगे। आप दवाइयाँ बांटने की बात करते हैं, निःशुल्क भूख मारने की दवाई दे दीजिए मैडम। बेरोजगार राजस्थान के बच्चे भिंडी भी खा पा रहे हैं, यहाँ पर आज बच्चे नींबू पानी नहीं पी पा रहे हैं। आप बोल रहे मनरेगा से घर चल रहा है, मनरेगा का भ्रष्टाचार तो देखा है आपका, मुनाफाखोरी, महंगाई, परस्पर दोस्त है इनकी कांग्रेस सरकार की। और कांग्रेस सरकार ये कहती है जो मनमोहन सिंह की सरकार 2010 उसमें आप हर 15 रुपए ऐसे ही लड़ते रहिए, पार्टियां भी लड़ती रही, लेकिन उसका परिणाम ये निकलना चाहिए कि आम आदमी को राहत मिले, उसको महंगाई से राहत मिले। हुकुम जी, निमिषा जी, शुक्रिया आपका। राहुल तंवर जी, आपका भी शुक्रिया। जियाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, सब्जी मंडी के हालात दिखाने के लिए। सुनील और राजीव, आपका भी शुक्रिया। अंत में फिर से ये नजर बट्टू आपको बुरी नजर से बचाता है। मैं आज इस प्रोग्राम में दुआ करूंगा कि ये नजर बट्टू आपको महंगाई की बुरी नजर से बचा ले। नमस्कार। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जा।